चप्पले जोड़। यार कल शाम को 6 बजे खाकड़ मरा है। मैंने आते ही एसडीओ साहब को फोन कर दिया, बिजली वाले को, आप देख लो कोई आ रहा हो तो। भाई अरे वायर आई हुई है, ये खुली है, इस पोल में पूरे का पूरा करंट है। कल रात का मरे हो बता रहे हैं? कल रात मरे हो? कल रात का है, 12:30 बजे। 12:30 बजे और अब टाइम हो गया दिन के 11:30 बजे। क्या किसी का फर्ज नहीं बनता क्या? ये तो कर्मचारी करेंगे सर, सीएम साहब चढ़ेंगे पोल के ऊपर। नाते ये 10 थैली 20 थैली नमक की ले आए, जेसीबी वाला कोई पैसे थोड़े। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं कैथल ब्रेकिंग टीवी। अभी हम खड़े हैं कैथल की अनाज मंडी के बाहर। कुछ जानकारी मिल रही थी कि यहां पर एक पशु के मरने की खबर आई है। कुछ लोगों के फोन आए हमारे पास कि एक आवारा पशु सड़क पर मरा पड़ा है। तो आओ हम दिखाते हैं कि किस तरीके से हमारे मंडी, अनाज मंडी के बाहर पोल खुली हुई है, जिसकी वजह से ये हादसे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि आगामी दिनों में अगर ऐसे ही कार्रवाई चलती रही, प्रशासन की तरफ से कोई इसकी सुध नहीं ली गई, तो शायद हो सकता है कि कोई ना कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है, किसी की जान भी जा सकती है। मंडी में सिर्फ बिजली की समस्या नहीं है कि बिजली के ही जोड़ खुले हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पीछे देख रहे होंगे कि अब पानी ऐसे ही खड़ा रहता है। जरा सी बरसात आई और यहाँ पे पानी भर गया। इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद है यहाँ के लोकल निवासी, जो हमें इस समस्या से आगाह कराएंगे। आओ जानते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हरिओम है। अच्छा, क्या समस्या है? आप कितने टाइम से ये समस्या देख रहे हैं, बिजली की और पानी की? बिजली और पानी की तो पुरानी समस्या है ये जी। हर जगह जोड़ है जी, तो आप देख सकते हो आज तो एक खाकड़ मरा है जी। चलो वो भी बेजान गई है, निर्दोष जान जी। कल को किसी का बच्चा भी हो सकता है जी। कैथल के अंदर इतने हादसे हुए हैं जी, हर रोज अखबार में, न्यूज चैनल पे सभी जगह आते हैं, अभी फलानी जगह करंट लगने से मर गया जी। कारण क्या है? खुले जोड़। यहाँ कल शाम को 6 बजे खाकड़ मरा है जी। इस पोल से दिन में लाइट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी अब भी लाइट जग रही है, आप देख सकते हो अभी भी लाइट जल रही है। तो सरकार एक तरफ तो कहते हैं कि बिजली बचाओ और जान बचानी है, दो तरीके, लेकिन हर जगह ठेकेदार की लापरवाही है इसके अंदर और महकमे की जी। ये म्यूनिसिपल कमेटी के अंडर आता है या मार्केट कमेटी के अंडर आता है जी, ये ऊपरले अधिकारी बता सकते हैं। दूसरी बात है पानी की, अब तो ऑफ सीजन है, अगर धान के सीजन में बारिश हो गई तो किसान का कितना नुकसान होगा, करोड़ों रुपए का। किसान की हालत ऐसी हो जाएगी, धोबिया कुत्ता घर का ना घाट का। पानी कल सुबह का खड़ा है ये, और अब तक देख लो आप कितना पानी है। पैदल आदमी कोई निकल नहीं सकता, कोई पैदल निकलेगा करंट लगने का खतरा है। बिल्कुल सीजन के टाइम देखते हैं हमें, गाड़ी घोड़े वाले निकलते हैं तो घोड़ा बिदक जाता है क्योंकि उसको करंट लगता है। और रात तो ये हादसा हुआ ही है, तो मैं प्रशासन से चाहूँगा कि इसके ऊपर ध्यान दे। डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट है मेरी। हमें किसी ने बताया भाई, माए भाई ये नंदी कैसे पड़ा है, ये बोले जी बिजली वालों को भी बोल दिया, गौशाला वाले प्रधान को भी फ़ोन कर दिया जी। तो आएंगे, हम अगली दरखास्त पे गए, वहाँ से वापस आते हुए फिर भी ऐसे था। फिर दोबारा फ़ोन आया कि भाई साहब कोई नहीं आया। मैंने आते ही एसडीओ साहब को फ़ोन कर दिया, बिजली वाले को, आप देख लो कोई आ रहा हो तो। भाई मैं बोलूँगा अब, क्योंकि 1.5-2 घंटा हो गया। कैथला एसडीओ कितनी दूर बैठता है बिजली डिपार्टमेंट का, वो खुद भी आ सकते हैं जब कोई उनका कर्मचारी नहीं आ रहा। क्योंकि और उसके बाद मतलब इन्होंने जिसको भी फ़ोन किया कोई नहीं आया, भाई किसी की जिम्मेवारी बनती नहीं क्या? अब इसको हम वहाँ से लेके आए, अब भी देखो लाइट बढ़ रही है और टाइम हो गया 11:24, गरीब को लाइट नहीं मिलती टाइम पे। बदनामी सरकार की होती है, बाद में बोलते हैं कि सरकार है वो आ रखी है फलानी पार्टी की, काम नहीं होते। ये तो कर्मचारी करेंगे सर, सीएम साहब चढ़ेंगे पोल के ऊपर, कर्मचारियों की ड्यूटी बनती होगी ये। अगर किसी को न्याय नहीं मिलता, अप्लीकेशन नहीं आती है थाने चौकियों में, अगर पुलिस वाले कार्रवाई नहीं करते तो उनको सज़ा भी मिलती है। हमारे एसपी साहब भी मतलब कोई तो बाग किसी के हाथ में तो होता है उनका कि भाई जिम्मा संभालता है। अब ये 2 घंटे से पड़ा भाई साहब, हमने अपनी ड्यूटी और भी करनी है। खड्डा मरवाया, जेसीबी वाला भाई बुलाया और जो एक रीति रिवाज से है वो कर रहे हैं। अब इसको मैं कहाँ लेके जाऊँ? इन्होंने तो बोल दिया हमारी चौकी वालों को भाई जी इसका करो, ये अभी तक नहीं आया। मतलब कितनी गौशाला अपने कैथल में, कोई ऐसी भी गौशाला जिसके पास कहते हैं भाई ये उठाने वाला जुगाड़ होता है पशुओं को, मृतक पशुओं को, नगर पालिका भी है कि यार ये
कल रात का मरा हुआ बता रहे हैं, कल रात मरा हुआ, साढ़े बारह बजे, और अब टाइम हो गया दिन के 11:30 बजे। क्या किसी का फर्ज नहीं बनता क्या? ये करंट है वहाँ, मतलब करंट है, अब भी करंट है पोल में, बड़ा हादसा भी हो सकता है जी। कल को ये भी साबित हो जाता है कि भाई करंट नहीं था, वहाँ चूहे मरे पड़े हैं, मेंढक मरे पड़े हैं, मतलब पानी में करंट था तभी ये काम हुआ। और अब भी एक भाई, किसने हाथ लगा के, इस भाई को पूछ ले भाई, ये बता रहे हैं कि भाई करंट था भाई, जूते मारे, मतलब ईमानदारी से जबरदस्त, मतलब कोशिश करते हैं भाई, अपना खुद का भी ये हो भाई, फलाने मुलाजिम हैं, फलाना डिपार्टमेंट है, पुलिस है, अच्छा काम कर रहे हैं। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ भाई, जो बिजली डिपार्टमेंट वाले हैं, किसी की ड्यूटी 12 घंटे की है, मुझे नहीं पता उनकी 24 घंटे की, भाइयों की जैसी भी है, बहुत अच्छे कर्मचारी भी हैं पुलिस बिजली डिपार्टमेंट में, मैं भी मिलता हूँ पर्सनली, मैं उनसे कहना चाहूँगा भाई, जितने भी अपने शहर में ये डब्बे खुले हैं, जाके देख लेना, दोनों डब्बे खुले हैं इस पोल के, 8 लाइटें लगी हुई हैं, 6 बढ़ रही हैं, तार भी नंगी पड़ी है जी, और ओपन है सड़क पे, ओपन है सड़क, भाई साहब ये सारे डब्बे बंद होने चाहिए शहर के, जहाँ भी हैं। सीवर वाले भाई हैं, उनको भी मतलब एक ड्यूटी से ऊपर उठ के 24 घंटे दो, कोरोना का मतलब मामला था, हमने सबने जोर लगा कर ड्यूटी करी है, अब हमने उस पर भी पार पा लिया, लगभग अवेयरनेस की वजह से सरकार ने बड़े मतलब टिक्के हर कदम उठाए। अब ये मौका है बारिश का, ये पानी खड़े है, ये सीवर मतलब टाइम से खुल जाएं, अब आगे भी बारिश होंगी, गड्ढे भी हैं सड़कों में भाई, ये भी सारे बंद होने चाहिए। और ये एक बात हो रहा है ना, ये मेन जगह है, ये अनाज मंडी है कैथल की, तो ये तो भाई और पब्लिक का फर्ज नहीं बनता है क्या? बारिश से पहले जहाँ गड्ढे हो रहे हैं, संबंधित डिपार्टमेंट को बताएं, यहाँ के MLA को बताएं, हमारे DC साहब को जाके बताएं कि हमारे काम नहीं हो रहे जी, किस वजह से नहीं हो रहे। देखो एक DC पूरे ज़िले में हर गली में नहीं जा सकता, और एक मतलब सरकार, हर आदमी, मंत्री, आप अपने पास तो हम देखेंगे ना, CM साहब थोड़े पहुँचेंगे हर जगह, नहीं या कोई मतलब मुद्दा बना लेते हैं लोग, भाई सरकार फलानी आई हुई है, भाई खुद जागरूक होना पड़ेगा, अपने आसपास कोई तारें खुली हैं, सीवर खुले हैं, गड्ढे हैं, या तो खुद थोड़ी मेहनत कर लो। आप मतलब उन लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे जो गौशाला को चलाते हैं, उसके लिए काम करते हैं भाई देश पे, मतलब क्योंकि सर ऐसा है कि मैं भी दान देता हूँ भाई गौशाला में, मैं भी करता हूँ गौओं के लिए, लेकिन मन टूट जाता है ऐसी चीज़ें देख कर कि भाई हम देते भी हैं, और ये 24 घंटे हो गए, शहर में गौशाला कितनी दूर है, हो सकता है उनको ना भी पता लग गया हो, और भी गौशाला है, या नगरपालिका का फर्ज बनता हो गौशाला का ना बनता हो, ये चीज़ें बाद की बातें हैं, बात मेन है इंसानियत भाई, इंसानियत के नाते भाई अगर ऐसी बात हो जाए तो ज़रूर उसके ऊपर सबको अपना से एक बात जानना चाहूँगा, आप सोशल वर्क भी करते हो और साथ साथ अपनी ड्यूटी भी करते हो, अभी पीछे हमें खबर दिखाई थी कि बिजली में जो पोल हैं उन पे लाइटें खुली है, उनके जोड़ खुले हुए हैं, और कोई भी, और शहर में ऐसे बहुत सारी जगह, आप किसी भी रोड पे निकल जाओ, आवारा पशु, नंदी, नॉर्मल सी बात है, उसकी वजह से एक्सीडेंट भी होते हैं। चीज़ें पत्रकार भाइयों से भी कहना चाहूँगा, बाद में आ जाते हैं, आप भी आ गए हो, किसी ने बुलाया, जब ये पोल खुले हैं शहर के, ढक्कन खुले हैं, ये आपकी भी जिम्मेवारी बनती है। हमने पहले आज से करीब करीब हफ्ता भर पहले एक खबर दिखाई थी कि पूरे के पूरे जो पोल थे अंबाला रोड पे या ऐसी कई सारी लोकेशनें दिखाई थी, उनकी पोल खोली थी कि ये पोल खुली है तुम्हारी, और तुम्हारी कार्रवाई तो होगी, कुछ ना कुछ तो फायदा हुआ, उसका कुछ ना तो कुछ जहां रह गए हैं ना भाई साहब, वो भी आप दिखाओ, अगर मतलब कोई नहीं पहुँच रहा है संबंधित अधिकारी, DC साहब को आप बता दो, अब एप्लीकेशन दे दो, मतलब जागरूक सबको होना पड़ेगा, सबका फर्ज बनता है, अकेला सुनील नहीं कुछ कर सकता, ये मतलब मेरे कहने से भाई इंसानियत के नाते ये 10 थैली 20 थैली नमक की ले आए, JCB वाला कोई पैसे थोड़े लेके जाएगा बेचारा मेरे से, जब भी बुलाता हूँ उसी टाइम आ जाता है, कोई एक नहीं है भाई, मतलब एक ही आज तक, ये पता नहीं कितनी हमने भी अपने लेवल पर गऊओं को दफनवाया है, मतलब ये शायद बिजली डिपार्टमेंट से हो, इनसे पूछ लो आप एक बार। तो ये थे हमारे साथ सुनील संधू जी, जो एक समाज सेवा के भी काम करते हैं, साथ साथ अपनी ड्यूटी भी बखूबी निभाते हैं। तो ये एक हादसा हो गया था जिसमें नंदी अपनी जान गवा चुका है, हम प्रशासन से, हम अपने नगर पालिका के अधिकारियों से, कर्मचारियों से एक अपील जरूर करेंगे कि आने वाले जो आगामी बरसात के दिन हैं, इनमें कम से कम उन पोलों को सुधार लिया जाए, जो खुले जोड़ है उनको बंद कर दिया जाए, ताकि पशु क्या कल को ऐसा भी हो सकता है किसी का बच्चा, किसी के परिवार का जीवन का चिराग इस हादसे का शिकार हो सकता है। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि आगामी जो बरसात के दिन आए,
इनमें किसी की जान ना जाए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि किस विभाग को इसकी तरफ गौर फरमाना है। नमस्कार।